दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंटरनेट गुरुजी ऑलिजन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टोकरेंसी से ट्रेडिंग करके पैसे कैसे कमाएं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्रिप्टोकरेंसी के बारे में जान लेना चाहिए। बहुत से सवाल है जैसे ट्रेडिंग क्या है, इसे कब और कैसे कहाँ करें, किन बातों का ध्यान रखें, कॉइन को बाय और सेल कब करें, इसके क्या फ़ायदे और नुकसान हैं, और कुछ टिप्स जानने के लिए चैनल को लास्ट तक देखिए, वीडियो पूरा देखिए। वीडियो लंबी जाती है तो लोग क्या करते हैं, स्किप कर करके देखते हैं आगे भगा भगा कर, जिससे क्या है कि बहुत सारी बातें छूट जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर ट्रेडिंग को समझते होंगे। यदि नहीं समझते तो हम आपको बताते हैं। इसका मतलब किसी निश्चित वस्तु करेंसी आदि में पैसे लगाकर उसके प्रॉफिट या लॉस को प्राप्त करना होता है। एग्जाम्पल, आप किसी वस्तु में पैसा लगाते हैं, यदि इसका प्राइस अभी 100 रुपये है और एक मंथ के बाद इसका प्राइस 500 रुपये हो जाता है, उस समय आप इसे बेच देते हैं तब आपको 400 रुपये का प्रॉफिट होता है। इसी तरह यदि एक मंथ के बाद वस्तु का प्राइस कम होकर 50 रुपये हो जाता है, तब आप इसे बेचेंगे तो आपको 50 रुपये का लॉस होगा। यह भी बाकी सभी वस्तुओं की ट्रेडिंग की तरह ही होती है, बस अंतर इतना है कि यहाँ क्रिप्टोकरेंसी की ट्रेडिंग की जाती है। आज मार्केट में बहुत सी क्रिप्टोकरेंसी अवेलेबल है जिनके प्राइस घटते बढ़ते रहते हैं, जिससे इनके बीच ट्रेडिंग की जाती है। इसमें हमें किसी क्रिप्टोकरेंसी को बाय करके होल्ड करना होता है और जब भी इसका प्राइस बढ़े तब आप इसे सेल करके प्रॉफिट ले सकते हैं। ये पूरी तरह आप पर डिपेंड होता है कि आप किन कॉइन को बाय या सेल करना चाहते हैं या कितने समय तक होल्ड रखना चाहते हैं। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के लिए ऑनलाइन में बहुत सी वेबसाइट अवेलेबल है, इनमें से एक बेस्ट है पॉलिनिक्स। यहाँ आप अपना अकाउंट बनाकर ऑनलाइन ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ट्रेडिंग कब और कैसे करें, कहाँ करें, क्रिप्टो कॉइन की ट्रेडिंग के लिए आप सबसे पहले इसके मार्केट रिसर्च करें और सभी टॉप करेंसी की प्राइस का अप एंड डाउन चार्ट शीट का रीड करें। समझें कि इसमें इन्वेस्ट करना सही होगा, इसके बाद ही स्टार्ट करें। यदि आप कॉइन ट्रेडिंग में नए हैं और किसी कॉइन में इन्वेस्ट करके बाय कर लेते हैं, माना अब इसका प्राइस बढ़ जाता है जिससे आप प्रॉफिट भी हो जाता है, लेकिन बिना किसी एक्सपीरियंस और जानकारी का महज एक तुक्का ही होगा और हर बार यह काम नहीं करेगा। इसे सही से समझने के लिए किसी बड़े ट्रेडर से अकाउंट करें, कॉन्टेक्ट करें, उन्हें फॉलो करें, अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा पैसा ना लगाकर कुछ पैसों से ही शुरुआत करनी चाहिए ताकि लॉस होने पर आप अफोर्ड कर सकें। आज क्रिप्टोकरेंसी के प्रति लोगों के उत्साह को देखकर ऑनलाइन बहुत से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म आ गए हैं। ये प्लेटफॉर्म वेबसाइट के रूप में होते हैं। आपको एक ट्रस्टेड साइट को खोज कर उस पर अपना अकाउंट बनाकर ट्रेडिंग शुरू करना चाहिए। अभी एक प्रचलित ऑनलाइन वेबसाइट पॉलिनिक्स बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, आप इसमें भी ट्राई कर सकते हैं। सभी क्रिप्टोकरेंसी मार्केट प्राइस देखने के लिए coincap.io का उपयोग करें। क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए आपको कुछ रूल्स और फॉलो करना होता है। कुछ बातों को ध्यान में रखकर आप प्रॉफिट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको अपना पूरा पैसा एक ही कॉइन पर नहीं लगाना है, मतलब आप ट्रेडिंग बजट एक बिटकॉइन का है, तब आप अपने बजट का 10% से 20% ही किसी एक कॉइन में लगाएं, इससे ज़्यादा ना लगाएं, बाकी को अलग अलग कॉइन्स में इन्वेस्ट करें। क्योंकि जब आप किसी कॉइन का प्राइस गिरा हुआ देखकर अपना सारा पैसा उसी को लगा देते हैं कि इसका प्राइस बढ़ने पर फ़ायदा होगा, लेकिन यह अनुमान पूरी तरह से सही नहीं है। यदि आप इसका प्राइस 15 से 30 दिनों तक और गिरा हुआ देखकर अपना पैसा छोड़कर इसे नुकसान में ही सेल कर देते हैं, जिससे आपको प्रॉफिट के बजाय लॉस हो जाएगा, क्योंकि यह कोई नहीं जानता कि कितना गिर सकता है। इसके विपरीत यदि आप अपने बजट के जरिए 4 से 5 प्रकार की अलग अलग कॉइन को खरीद लेते हैं, तब आप बड़ी समझदारी से अपना प्रॉफिट निकाल सकेंगे, क्योंकि एक ही टाइम पर सभी कॉइन का प्राइस ना तो गिरेगा और ना ही बढ़ेगा, जिससे रिस्क कम हो जाता है। इस तरह से आप क्रिप्टो ट्रेडिंग से पैसे अर्न कर पाएंगे। यदि आप न्यू हैं तब आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग में आते ही ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं करनी चाहिए, सबसे पहले इसे समझें। इसके लिए आप ऑनलाइन ट्रेडिंग वेबसाइट पॉलिनिक्स पर अपना अकाउंट बना लें। यहाँ आप सभी कॉइन को बाय सेल और ट्रेडिंग के साथ इनके चार्ट शीट्स के भी प्राइस देख सकेंगे। पहले 30 दिन तक कोई ट्रेडिंग ना करें, बस इतना करें एक पेन और कॉपी लेकर अपने 30 दिनों तक के
हर दिन पॉइंट्स के रेट देखें लिखें, जाने कि कब कौन सा पॉइंट बढ़ा या कम हुआ और कितने दिनों तक एक ही लेवल पर रहा। आफ्टर 30 दिन में आपको ट्रेडिंग समझ में आने लगेगी। आप 30 दिन के लिए ये डिस्प्ले पे दिए गए चार्ट को बना लीजिए। डेट जिसमें जिस दिन से आप स्टार्ट करते हैं, कॉइन का नाम, यहाँ उस कॉइन का नाम लिखें जिस पर आप काम करना चाहते हैं। टुडे प्राइस, उस डेट पर क्या प्राइस है, आप मॉर्निंग प्राइस को स्टैंडर्ड प्राइस मान सकते हैं। टुडे अप, 24 आवर्स में कितना रेट बढ़ा। टुडे डाउन, 24 आवर्स में कितना रेट गिरा। यदि आप इस फील्ड से नए हैं और आप धैर्य रखकर अपने होल्डिंग पावर को बढ़ाना होगा, तभी आप क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग से पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि जब किसी कॉइन को बाय करते हैं और यदि उसका रेट कम हो जाए, तब आप धैर्य ना रखकर इसे लॉस में सेल कर देते हैं। जैसे आप किसी कॉइन को 50,000 में बाय करे हैं, लेकिन उसका प्राइस 40,000 हो जाता है, तो आने वाले 30 से 50 दिनों तक उसका प्राइस नहीं बढ़ता, तब आपको इसे लॉस में ना सेल करके इसे होल्ड रख कर इंतज़ार करना होगा। यदि मार्केट में इस कॉइन में रिलेटेड न्यू अपडेट और कंपनी मैनेजर आपके सिस्टम को लगातार इम्प्रूव कर रहे हैं और साथ ही इसका प्राइस बहुत हाई तक जा चुका है, इस स्थिति में इसका प्राइस बढ़ने की काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। क्योंकि जब आप रेट गिरने पर धैर्य खोकर सेल करते हैं, तब इसका प्राइस बढ़ना शुरू हो जाता है और इसका फ़ायदा बड़े ट्रेडर्स मार्केटर्स को होता है। कॉइन को बाय या सेल करने का कोई निश्चित समय नहीं होता, लेकिन आप कुछ बातों पर ध्यान रख सकते हैं। सबसे पहले आप टॉप क्रिप्टो कॉइन को सेलेक्ट कर ले जिनका फ्यूचर में रेट बढ़ने का चांस है। बाय करने का सही समय जब कॉइन का प्राइस कम हो, लेकिन ध्यान रहे आपको उसी कॉइन को बाय करना चाहिए जिसका रेट हाई तक जा चुका है और इसके बढ़ने के चांस भी हो। अगर देखा जाए तो सभी क्रिप्टो कॉइन रेट बिटकॉइन के अकॉर्डिंग ही है, हाई और लो होते रहते हैं। मतलब कुछ कुछ बिटकॉइन पर भी निर्भर करता है। जैसे जब बिटकॉइन का रेट 1 से 5 दिन में बहुत बढ़ जाए, तब बाकी कॉइन के भी रेट घटने लगते हैं। जब बिटकॉइन का रेट 1 से 5 दिन में बहुत ज़्यादा गिर जाता है, तब बाकी सभी कॉइन के प्राइस घटने लगते हैं। जब आप बिटकॉइन पर एक स्थिर हो जाता है, तब बाकी कॉइन के रेट बढ़ने लगते हैं। ट्रेडिंग एक बहुत ही शानदार प्रोफेशन है। बहुत से लोग इसे फुल टाइम लेकर इस पर काम करते और अच्छे से पैसा भी कमाते हैं। ट्रेडिंग के कुछ सीक्रेट बताता हूँ दोस्तों मैं आप लोगों को। ट्रेडिंग में धैर्य बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। यदि आप मार्केट प्रोफेशनल ट्रेड बनना चाहते हैं, तब आपको बड़ी सावधानी से एक बात को समझना होगा। ट्रेडिंग में एंट्री करते ही स्टार्ट ना करें, पहले मार्केट को ठीक से सर्च करें, मास्टर ट्रेडर्स को फॉलो करके सीखें और धीरे धीरे स्टेप लेकर आगे बढ़ें। यदि आप नए हैं, तब अपनी क्षमता से ज़्यादा कभी ना लगाएं और ना ही पूरा पैसा एक ही पॉइंट पर लगाएं। आपको ट्रेडिंग बजट का पैसा कुछ टॉप पॉइंट्स में लगाना चाहिए। कंटिन्यू मार्केट को नज़र रखना चाहिए, इसमें प्रॉफिट और लॉस भी है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही शामिल है। इसमें पहले कुछ फिक्स नहीं होता, बस एक अनुमान के जरिए काम करना होता है। प्रॉफिट इसके लिए ट्रेडिंग ही सही है। नॉलेज और स्ट्रेंथ बहुत ही मायने रखती है। इसके साथ आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में कुछ बातों को ध्यान में रखकर अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको काफ़ी कुछ जानकारी दी है। ट्रेडिंग में नुकसान भी होता है, लेकिन एक सही प्लानिंग से रिस्क को कम करके प्रॉफिट में बदला जा सकता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में आपको पेशेंस और होल्डिंग के साथ ही प्रॉपर जानकारी, ये तीनों में होना बहुत जरूरी होता है। क्रिप्टो ट्रेडिंग में उतना ही पैसा लगा जितना आप लॉस होने पर आसानी से अफोर्ड कर पाए। बड़े बड़े ट्रेडर्स की यही खासियत होती है, जिससे वे क्रिप्टो करेंसी को ट्रेडिंग से अच्छी इनकम कर पाते हैं। कुछ समय के बाद आप भी इस खेल को माहिर हो जाएंगे। तो दोस्तों, मेरे द्वारा बताई गई जानकारी बिल्कुल आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, और कुछ जैसे आपको जानकारी चाहिए हो, तो प्लीज़ कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। अभी तक के लिए इतना। नेक्स्ट अपडेट में आपसे फिर मिलता हूं। और हाँ दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और लाइक तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों, लाइक नहीं मिलता तो समझ में नहीं आता आप लोगों ने वीडियो पसंद किया है कि नहीं। ठीक दोस्तों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए बाय, सी यू।